हम वेदों के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि कुछ हिंदू जो है अपने 90% अपने ग्रंथों को जुड़ा देते हैं और सिर्फ वेदों पर उनका अकीदा होता है। जैसे कुरानिस्ट है तो मुनकिर कुरान होते हैं, अभी जो द्वितीय ग्रंथ हैं लोगों के उसको नहीं मानते, और जो प्राइमरी सोर्स वेदों को मानते हैं और बोलते हैं कि वेदों में कुछ हिस्ट्री नहीं है, कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें नहीं है, इसमें सिर्फ देवों की वाणी है और इसमें स्तुति की गई है और ज्ञान है। अब देखेंगे कितना ज्ञान है इसमें। तो ऋग्वेद मैं ले रहा हूँ, एक्सर्प्ट ले रहा हूँ मैं रिडल इन हिंदुइज्म अमेटर की जो किताब है, इसमें आपको मिल जाएगा। इसमें वेदों में क्या क्या कंटेंट है इन्होंने बड़ा अच्छे से समराइज किया। तो ऋग्वेद के कुछ मंत्रों का अथवा प्रार्थनाओं को लेते हैं। अब इस हिंदू में जो मंत्रों में प्रार्थना होती है उसको पढ़ के तो ऐसा लगता है कि ये किसी इंसानों ने लिखा है, क्योंकि इसमें देवी देवताओं का वर्णन है, उनकी स्तुति की गई, उनकी प्रार्थना की, उनको बद्दुआएं दी गई, अपने आप को बद्दुआएं दी गई है, अपने पेट दर्द के बारे में, अपनी जो अपनी संपत्ति है उसके बारे में माना गया, अपने स्वर्ग की अपनी कामना की गई। तो ये सब प्रार्थनाएं हैं असल में, ये कोई देव की वाणी तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो हम ऋग्वेद पे ध्यान देते हैं, ऋग्वेद के मंत्रों और प्रार्थनाओं को देते हैं, उसमें से कुछ इस प्रकार है। जरा इस पर नज़र डालते हैं, पॉज करके देख भी सकते हैं। मंत्र स्तूक जो मंडल जो होता है, मैं ABC इस ऑर्डर में बताऊंगा, 1, 2, 3 तो मैं बार बार बोलूंगा नहीं। ठीक है, ये वायुदेव तू कितना रूपवान है, मेरे थमे से मसालों में सोमरस बनाया है, आ इसका पान कर, यानी पिए उसको खा, हमारी प्रार्थना स्वीकार करती है। ऋग्वेद 1, 2, 1, 2, 1। हे इंद्रदेव, हमारे संरक्षण हेतु संपदा प्रदान कर, तेरे द्वारा प्रदत्त संपदा हमें सुख दे, चिरकालीन हो और शत्रु विनाश में सहायता, यानी शत्रु के विनाश की प्रार्थना की जा रही है ऋग्वेद में 1:8:1। देखो ऋग्वेद 3 देखेंगे, पुरुषो हे पुरुषो, जब भी यज्ञ करो इंद्र अग्निदेव की स्तुति करना मत भूलो, यानी इसके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी है, उनका गुणगान करो और गायत्री छंद में उनकी स्तुति करो। तो ये ऋग्वेद में लिखा है, तो ये कौन सा तीसरा वाला मैंने पढ़ा पॉइंट, ये ऋग्वेद 1:21-2 में लिखा हुआ है, ये अग्निदेव तेरी पत्नियाँ और तिष्ठा को ला जो आने और सोमरस का पान करने को लाहित है। तो अग्निदेव की बीवी को क्यों मंग रहा है पता नहीं है, हमें प्रार्थना करते हैं देव पत्नियां, फिर देव पत्नियों पे आ गया, पांचों पौंडी बात करो, हम ये प्रार्थना करते हैं देव पत्नियां सभी उपलब्ध पंखों से आनंदित होकर हमारे पास आओ, यानी उड़ते हुए पंखों से देव पत्नियां, देव की औरतें हमारे पास आओ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। छठवां पॉइंट, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इंद्रदेव वरुणदेव अग्निदेव की पत्नियां मेरे पास आए, बाबा हे वरुणदेव, हम तुमसे अनुनय करते हैं कर रहे हैं कि अपना क्रोध शमन कर, अगर असुर तू पूर्ण बुद्धिमान है हमारे पाप मुक्त कर। हे आठवां पॉइंट, हमारे सोमरस स्त्रियों द्वारा तैयार किया गया है, ये मंत्रों में लिखा है ऋग्वेद के, हमारा सोमरस स्त्रियों द्वारा तैयार किया गया है जिन्होंने हमें श्रमपूर्वक अथा है, हे इंद्रदेव हम तेरी प्रार्थना करते हैं कि आओ इस सोमरस का पान करो। तो ये 1:28:3 में दिया ऋग्वेद की। आठवां पॉइंट पढ़ रहा हूँ, तेरे शत्रु तुझे कुछ अर्पित नहीं करते, ये विलित हो जाए, जो अर्पित करते हैं वे संपत्त हो जाएंगे, हे इंद्रदेव देखो हम तेरे दरबार में, हमें उत्तम गाय अश्व प्रदान कर और विश्व की हमें ख्याति दे, यानी गाय दो बैल दो। यह है ऋग्वेद 1:29-4 10वां पॉइंट पे आता हूँ, ये अग्नि हमारी रक्षकों से दुर्शत्रुओं से उनसे जो हमें घृणा करते हैं हमारी वध करना चाहते हैं उनसे रक्षा कर। तो 1:36:13 में ये 10वां पॉइंट में पढ़ रहा ऋग्वेद का। तो ये सब बकवास लिखी, अब अम्बेडकर की किताब खुद पढ़ो और इसमें ये सब चीज़ें इनकी